नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले आपको बताते हैं आज क्या कुछ खास रहेगा सौदा आपका में। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग प्राइसेस हम लेकर आएंगे, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या करें आज कमोडिटी बाजार में। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए एक जोरदार स्टॉक हमारे एक्सपर्ट्स का, साथ ही किरण जाधव आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 10:10 से। उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा बस, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, इस पर रहेगी नजर। नितेश अखर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रेटजी। गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन रणनीति ट्रेडर्स हॉटलाइन में थोड़ी देर में, और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी बाजार की शुरुआत का, और उससे पहले किस तरह के संकेत हैं कमोडिटी बाजार के लिए। तो सोना 1 साल के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद अब ठहर चुका है। इसमें कल के स्तर के आसपास ही हम कारोबार देख रहे हैं। कॉमेक्स पर सोने की का दाम $1,335 के पास बना हुआ है। हालांकि चांदी में 5 महीने के ऊपरी स्तर से हल्का दबाव अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये $17.90 प्रति ऑन्स के ऊपर कारोबार करते हुए। इस बीच बेस मेटल्स में तेजी का दौर अभी भी जारी है, और चीन में कॉपर का दाम 4.5 साल के अपने हाईस को छूते हुए, जबकि एलुमी पर इसमें 3 साल की ऊंचाई दर्ज हो रही है। तो निकेल में भी हम तेजी का ही दौर देख रहे हैं, यहाँ पर निकेल भी जो है मजबूती बरकरार रखे हुए। दरअसल चीन में कॉपर और निकल की मांग बढ़ रही है, और इस फैक्टर से इन दोनों ही कमोडिटीज कॉपर और निकल को अच्छा खासा सपोर्ट मिलते हुए इनकी कीमतों में हम तेजी देख रहे हैं। इस बीच एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट से पहले कच्चे तेल में भी भारी उठापटक। ब्रेंट में करीब 0.5% की हम गिरावट देख चुके हैं। नाइमेक्स क्रूड में बढ़त के साथ कारोबार। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ी हुई है। एक डॉलर की कीमत है ₹64.10। देखते हैं आज घरेलू कमोडिटी बाजार किस नोट पर शुरुआत करते हैं। खुलने वाले कमोडिटी बाजार जैसे खुलेंगे, हम बताएंगे आज क्या असर नजर आ रहा है आपको। और खुलने वाले कमोडिटी बाजार चंद सेकंड में ही सोने और चांदी में हम थोड़ा सा देख रहे हैं रणनीति क्या हो, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। पर फिलहाल ओपनिंग प्राइसेस पर नजर। खुल चुके कमोडिटी बाजार, क्रूड की शुरुआत हो रही है 3047 गिरावट के साथ लाल निशान पर आज क्रूड खुलते हुए। वहीं नेचुरल गैस ₹194.40 के भाव के साथ आज हरे निशान पर खुल रहा है। सोने में बढ़त है, अभी 30,200 का है, लेकिन हाँ एक रेंज में ही नजर आ रहा है, और वो वही हमें अभी दिख रहा है। चांदी अभी अभी खुली है, ज्यादा मोमेंटम नहीं है, 40,639 पर हम चांदी को देख रहे हैं। सोना बढ़त पर नजर आ रहा है। बेस मेटल्स कॉपर में तेजी, ₹449.70 के साथ आज बेस मेटल्स की शुरुआत। निकल में अभी खुलते ही थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, ₹785 का भाव यहां पर है। एल्यूमिनियम भी गिरावट के साथ खुलते हुए ₹134.55 पर दबाव आज एल्यूमिनियम में। लेकिन लेड बढ़त पर है, तो वहीं जिंक में है दबाव, लाल निशान पर आज जिंक की शुरुआत होते हुए। कुछ एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। सोयाबीन इंडेक्स खुला है हरे निशान पर 3,140 के भाव के साथ। वहीं सरसों 3,838 के साथ हरे निशान पर खुलता हुआ। मजबूती सोया ऑयल इंडेक्स में भी हम शुरुआत में देख रहे हैं, ₹661.80 के साथ आज सोया ऑयल की शुरुआत हो रही है। सीपीओ ₹523.70 पर गिरावट, दबाव के साथ सीपीओ की शुरुआत। जीरा यहां पर गिरावट है, हल्दी और साथ ही में इलायची खुल चुके हैं, लेकिन अभी इनके प्राइस में हम ज्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। तो खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार, अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपकी रणनीति कैसी हो। मेरे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। नवनीत, आपसे शुरुआत करते हैं, गुड मॉर्निंग। सोना और चांदी दोनों की ही चाल अभी थम गई है, क्या करें इन दोनों कमोडिटीज में? जी गुड मॉर्निंग। जी चाल थम गई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। हमने देखा है कि कल के सेशन में भी गोल्ड डेज है से थोड़ा सा रिट्रेस किया, और आज भी करीब ₹100 की बढ़त के साथ खुला है। जैसे जैसे जियो पोलिटिकल टेंशन थोड़ा एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, और डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन है वो भी थोड़ा चौपी हो गया है, तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल प्रेशियस मेटल के लिए व्यू तो अपसाइड का ही है। कोई भी टिप आएगा तो मैं रेंज लेने की रिकमेंडेशन दूंगा। 31,000 के आसपास बाय करिए, 29,800 का स्टॉप लगाइए, और 31,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। कच्चे तेल में अभी क्या रणनीति रखनी चाहिए नवनीत जी?
जी क्रूड ऑयल थोड़ा सा एक चॉपी स्टेट में है, इसमें कुछ खास ट्रेंड क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है। हमने देखा है कि हरिकेन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी क्रूड ऑयल प्राइस में कुछ हद तक फैक्टर इन हो चुका है, बट जैसे जैसे यूएस के मैन्युफैक्चर नंबर आते रहेंगे अब ये वीकेंड के आसपास मुझे लगता है तब हमको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा। अभी भी बायर थोड़ा नेगेटिव साइड पे है, 3050 के आसपास सेल किया जाए, 3105 का स्टॉप लगाइए, 2980 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल में शॉर्ट साइड रहने की सलाह नवनीत आपको देते हुए, साथ ही एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता मेरे साथ हैं। अनुज गुड मॉर्निंग, पिछले एक हफ्ते में ग्वार काफी ज्यादा टूट चुका है, आज इसमें क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, ग्वार के अंदर देखें तो जो ट्रेंड है वो अभी नेगेटिव बना है, हालांकि अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भाव ऊपर आने की वजह से जो राइवल है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, साथ में जो बारिश हमने डेफिसिट देखी थी वो अब पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखाई दी और बारिश अच्छी होती हुई हमने देखी राजस्थान में, इसका इम्पैक्ट भाव में आता हुआ देखा। हमें लगता है कि अभी और गिरावट ग्वारशीट और ग्वारगम में देखने को मिल सकती है, हमें लगता है कि नीचे करीबन 3650-3600 रुपए तक ग्वारशीट के लेवल और ग्वारगम में करीबन 7 या 600 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ग्वारशीट और ग्वारगम में बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। ओके, सो बिकवाली कीजिए क्योंकि और भी नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं, ये अनुज कह रहे हैं। अनुज, साथ ही में आपका व्यू मैं समझना चाहूंगी कैस्टर और कॉटन में। कैस्टर के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी है, कैस्टर में अगर देखें तो गुजरात में जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से हमने भाव नीचे आते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो सकता है और कैस्टर के अंदर इंट्राडे के लिए बिकवाली की जा सकती है, टारगेट नीचे करीबन 4480 तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर कॉटन की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में एक तेजी का माहौल आते हुए दिखा है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ज्यादा बारिश होने की वजह से जो फसल थी उसको कुछ नुकसान पहुंचने की आशंका कॉटन को आती हुई दिखी, जिसकी वजह से हमने कॉटन में उछाल आते हुए देखा। हमें लगता है कि कॉटन के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बाई की जा सकती है, ऊपर टारगेट करीबन 19200 रुपए तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। नवनीत जी, इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर और निकल ये दो बेस मेटल्स हैं जो धूम मचा रहे हैं, क्या आपकी नजर भी इन दोनों पर है, क्या किसी और को आप अभी पिक करना चाहेंगे? जी, हमने देखा है कि कॉपर में बहुत अच्छी रैली देखने मिली है, अगर आप ईयर टू डेट अगर आप देखें तो 15-16% की बढ़त से ज्यादा देख चुके हैं। और अगर फंडामेंटल की बात करें तो LME और शांघाई इन्वेंट्री 2009 के लोस के आसपास चल रही है, डिमांड स्ट्रांग है, GDP डेटा US का बहुत अच्छा है, CPI डेटा चाइना का बहुत अच्छा है, PMI डेटा भी सब ग्लोबली ठीक ठाक आया है, तो मुझे लगता है कि जो ये फंड फ्लो है कहीं ना कहीं एक कॉपर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मेरा मानना यह है कि डिप पे बाय किया जाए 445-446 के आसपास, 442 का स्टॉप लगाइए, 451 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो कॉपर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह और 445 पर खरीदिए, स्टॉप लॉस 442 का। अब आप दोनों ही एक्सपर्ट से मैं रुपए पर व्यू जानना चाहूंगी। अनुज, आपसे शुरुआत करते हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, क्या करेंगे यहाँ, खरीदारी करेंगे क्या आप रुपए में? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन रुपीस कमजोर हो रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो इसका ट्रेंड है अगर हम मंथली बेसिस पे देखें और वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो मार्केट एप्रिशिएट ही हुआ है, हालांकि हमने डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आते हुए देखी, मुझे लगता है कि उसका असर इंडियन रुपीज को पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो हमें लगता है कि इंडियन रुपीज में एप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। तो इंडियन रुपीज में हमारी सेलिंग की कॉल रहेगी करीबन 64 पॉइंट, सरप्लस 50, टारगेट नीचे करीबन 64 तक देखने को मिल सकता है। साथ में नवनीत, आपकी कॉल रुपए पर आज? जी, मेरा एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है अनुज के अगेंस्ट, मुझे लगता है कि काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद रुपी थोड़ा डेप्रिसिएशन दिखा रहा है और डॉलर इंडेक्स में कुछ खासा मूवमेंट नहीं है, ये ट्रेंड जो है थोड़ा अपसाइड बायस दिखा रहा है, मुझे लगता है कि 6420 के आसपास आएगा तो बाय करिए, 6405 का स्टॉप लगाइए, 6445 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और इसी के साथ आप दोनों का ही धन्यवाद, नवनीत और साथ ही में अनुज गुप्ता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर नजर रखिए, कहां बनाइए स्ट्रैटेजी। दिन भर CNBC आवाज कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट आपको बताता रहेगा, हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देते रहेंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने के पहले रिलायंस कैपिटल की आज लिस्टिंग पर नजर डालते हैं कि कहां पर आज लिस्ट हुआ है रिलायंस कैपिटल। गिरावट 736 रुपए के लेवल्स हम अभी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 10% की गिरावट को ये छूने वाला है, 9% से ज्यादा की गिरावट, 9.5% से ज्यादा की गिरावट नजर आ रही है, 738 का भाव है और गिरावट अभी दिखी रही है यहाँ पर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं, इस ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, साथ ही में किरण जाधव हमारे साथ जुड़ने वाले, उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप।
की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई, वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज आपके लिए तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए सिमी भौमिक लाई है अपनी पसंद का स्टॉक। इनके मुताबिक खरीद की सलाह जेट एयरवेज में, स्टॉप लॉस लगाइए 574 का लक्ष्य, 594 से 600 पर रखिए नजर और जेट एयरवेज को इंट्राडे के लिए खरीदिए। ये है सिमी भौमिक की सलाह। अब कल की जोरदार गिरावट के बाद आज अपने बाजार को रिबाउंड करते हुए देखा है। शुरुआत काफी मजबूत हुई थी, अब ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दबाव, लेकिन हाँ हरे निशान में अभी भी कारोबार। करीब 84 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देख रहे हैं, 22 अंकों की बढ़त के साथ 9,934 पर निफ्टी दिख रहा है। मिड कैप में 144 अंकों की शानदार मजबूती है और आज बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट, 107 अंकों से मजबूत है आज बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली एडवांस को फेवर करता हुआ 1328 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और 368 शेयर इनके सामने जहां पर आपको फिलहाल दबाव देखने को मिलेगा। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज ऑटो से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ बाजारों को, ऑयल एंड गैस और मेटल्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट बाजारों को यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो कौन है बढ़त में, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज बढ़त बनाने में कामयाब हो रहे हैं? टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, येस बैंक, बजाज ऑटो और वेदांता आज पॉजिटिव जोन में दिख रहे हैं। सौदा आपका में मेरे साथ हैं किरण जाधव .com के CMD किरण जाधव। किरण जी गुड मॉर्निंग, आज निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे, यहाँ से आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, निफ्टी में 9925-9920 एक अच्छा सपोर्ट है और मेरा मानना है कि ये सपोर्ट बिल्कुल होल्ड करता नजर आएगा। कल जिस तरीके के दोपहर के बाद जो पुलबैक आई वो कंटिन्यू होती नजर आनी चाहिए, तो हर लॉन्ग पोजीशंस के लिए 9910 का स्टॉप लॉस अभी रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए पहले टारगेट्स 9966 के होंगे, अगर ये क्रॉस करता है तो 9990 के टारगेट्स देखने में जरूर मिल जाने चाहिए आज या कल के सत्र में। और बैंक निफ्टी, इसके टेक्निकल चार्ट में आप क्या रीड कर रहे हैं अभी किरण? सी बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी नीचे से बाइंग देखने को मिल रही है, कल थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा था पर आज पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। मेरा मानना है कि इसके टारगेट्स करीबन आने चाहिए, अगले दो ट्रेडिंग के लेते हैं तो करीबन 24,450-24,460 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए, यानी इधर से 100 पॉइंट ऊपर के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। इस ट्रेड के लिए 24,300 होल्ड करना बहुत जरूरी है, तो 24,300 के नीचे वाले स्टॉप लॉस रखने चाहिए, यानी 45 रुपीस का रिस्क रहेगा और करीबन 100 रुपीस का रिवॉर्ड रहेगा। और अब बात करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की, आज यहाँ पर भी बढ़त ही नजर आ रही है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ रहे हैं बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। देखिए सबसे पहले आपको नजर रखनी चाहिए एपेक्स फ्रोजन फूड पे, कल इसकी लिस्टिंग हुई थी और जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी और आज एक फॉलोअप बाइंग इस काउंटर में देखने मिल रही है, 5% के आसपास की तिथि आपको आज भी इस काउंटर में देखने मिलेगी। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में आज खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है उसमें सबसे आगे तो होटल लीला का काउंटर है, क्योंकि मैरीगोल्ड कैपिटल इस कंपनी के चेन्नई में कुछ प्रॉपर्टीज है उसे खरीदेगी ये खबर है और इसी के चलते होटल लीला के काउंटर में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी, करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। स्टार सीमेंट दरअसल अपने एक क्लिंकर प्लांट में करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उसके चलते करीब 3.3% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। वहीं नतीजों के चलते गांधी स्पेशल ट्यूब्स में अच्छी खासी तेजी है, मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, इसके लिए 7% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। मनाली पेट्रो, नतीजे काफी कमजोर हैं, मुनाफे में करीब 80% के आसपास की गिरावट हुई, खामियाजा स्टॉक को भुगतना पड़ रहा है, 7% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने मिल रही है। दो सेक्टर्स जिसमें आज काफी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है उसमें सबसे पहले तो मीडिया और एंटरटेनमेंट स्टॉक से आपको याद होगा NDTV, कल भी अच्छी खासी तेजी थी, आज भी इसमें एक फॉलोअप बाइंग देखने मिल रही है, 17% के आसपास की तेजी इसमें है। छोटा काउंटर सिनेविस्टा, 5% के आसपास की तेजी इसमें भी है। एड लाइव्स एंटरटेनमेंट जैसे काउंटर में करीब 2.25% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आज टीचर्स डे है तो एजुकेशन स्टॉक्स में आप देखेंगे कि अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है, करियर पॉइंट 4% के आसपास की तेजी, MT एडुकेयर, NIT लिमिटेड, इन सभी काउंटर्स में जम के इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं। इन स्टॉक्स के अलावा जहां एक्शन है उसमें सबसे आगे तो टेक्सटाइल काउंटर्स है, क्योंकि गुजरात सरकार ने जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, उसका फायदा जितनी भी गुजरात बेस्ड टेक्सटाइल कंपनीज है उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गार्डन सिल्क देखिए करीब 7.5% के आसपास के गेंस इसमें देखने मिल रहे हैं
ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में तेजी है, तो हिल्टन मेटल कल भी अच्छी खासी तेजी थी, आज भी 6% के आसपास की तेजी है। जो टूरिज्म रिलेटेड कंपनीज है वहाँ तेजी है, 6% टूरिज्म फाइनेंस में तेजी है। निटको टाइल्स, JBF इंडस्ट्रीज, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज जम के खरीदारी हो रही है। इनफैक्ट फ्यूचर ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा बस कर रहा है। इसके अलावा लेकिन जहां आज गिरावट देखने मिल रही है उनकी बात करें तो JBM ऑटो, केसर एंटरप्राइजेस, आपको याद होगा कल अच्छी खासी तेजी थी, आज यहाँ मुनाफा वसूली है, करीब 4-5% के आसपास की गिरावट। वहीं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और नेशनल स्टील, ये भी वो काउंटर्स है जहाँ आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो किरण यादव अपनी ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ किरण यादव बने हुए हैं। और किरण, आप जानना चाहेंगे कौन से स्टॉक है जिन पर आपकी नजर है, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। पहला स्टॉक होगा ओरिएंटल बैंक, जहां पे बाय करने की सलाह होगी। काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक आज परफॉर्म करता नजर आ रहा है, अभी 4% ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस करीबन 125 का रखना चाहिए, जो कि बहुत नजदीक है करंट लेवल से, और टारगेट्स के लिए 135 के लेवल्स। इस स्टॉक में एग्रेसिवली बाय करने की सलाह होगी 129 के ऊपर, 129 के ऊपर ये वन वे 135 तक जाएगा, तो अभी छोटी क्वांटिटी लेनी चाहिए और 129 के ऊपर एग्रेसिवली बाय करने की सलाह होगी। दूसरा होगा रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में भी काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं। अभी एक घंटा भी नहीं हुआ पर डेली वॉल्यूम्स, जो एवरेज डेली वॉल्यूम्स है उसको क्रॉस करते नजर आ रहे हैं, तो पूरा दिन पड़ा है। मुझे लगता है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मर की तौर खरा उतरेगा। मेरा आज के लिए टारगेट 740 के रहेंगे, पर मेरा मानना है कि 740 में रुकना नहीं चाहिए, इधर से ऊपर भी जाने की ये क्षमता रखता है। इसके लिए स्टॉप लॉस करीब 710 का रखने की सलाह होगी। ओके, सो रैमको सीमेंट में खरीद की सलाह, और दूसरा स्टॉक जहां खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं किरण, वो है ओरिएंटल बैंक। किरण, आपका व्यू मैं रिलायंस कैपिटल पर समझना चाहूंगी, जो प्राइस एडजस्टमेंट हमें दिख रहा है, उसने अपने होम फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस बिजनेस को जो अलग किया है, इस प्राइस एडजस्टमेंट को आप कैसे रीड कर रहे हैं, टेक्निकल चार्ट पर क्या सलाह देंगे आप? ये रिलायंस कैपिटल स्प्लिट होने के बाद, मेरा मानना है कि दो कंपनी होने के बाद अगर 754 की वैल्यूएशन मिल रही है तो बहुत स्ट्रांग वैल्यूएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ करीबन 50-60 रुपए की हाउसिंग फाइनेंस को वैल्यूएशन मिल रही है, वो बराबर नहीं होगा। मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको बिल्कुल बने रखना चाहिए, और इनके लिए स्टॉप लॉस 700 का रखना चाहिए। अगर 700 के नीचे चलता है रिलायंस कैपिटल, जो कि अभी लिस्ट हुआ है, रीलिस्ट हुआ है, तो इससे बाहर निकलने की सलाह होगी, नहीं तो होल्ड करने की सलाह है। धन्यवाद किरण, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रेटजी लेकर आएंगे हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा, और उनके साथ जुड़ने वाले हैं गौरव बिस्सा और मितेश ठक्कर। ग्लोबल बाजारों में रिकवरी ने सुधारा भारतीय बाजार का मूड, निफ्टी 9,900 के ऊपर टिका, मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। जियोपॉलिटिकल टेंशन गहराया, हाइड्रोजन बम पर उत्तर कोरिया को ट्रंप की धमकी, कहा उत्तर कोरिया को मिटा देंगे, रूस ने की शांति की अपील। रिलायंस कैपिटल के FNO कॉन्ट्रैक्ट आज दोबारा हुए लॉन्च, होम फाइनेंस कारोबार से अलग होने से शेयर में 16% के आसपास का एडजस्टमेंट। चीनी इंपोर्ट पर जल्द फैसला होने की आशंका से चीनी शेयर फिसले, 5% तक गिरे चीनी कंपनियों के शेयर। टूरिज्म फाइनेंस में IFCI की हिस्सा बेचने की तैयारी, दोनों कंपनियों के शेयर चमके, दूसरी टूरिज्म कंपनियों में भी खरीदारी। आज डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा, एक डॉलर की कीमत 64.10 रुपए के पार, डॉलर में बढ़त से बना दबाव।
नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज सौदा बनाने से पहले आप हमें 1800-209-7890 इस नंबर पर फोन कर सकते हैं या फिर 7045-22-0000 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को सॉल्व करें, और सॉल्व करने में आपकी क्वेरीज मदद करेंगे, टेक्निकल सलाह देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं mitesh.thakkar.com के मितेश ठक्कर, और डेरिवेटिव्स पे सलाह देंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मंगलवार की सुबह है और स्क्रीन कल के मुकाबले तो काफी बेहतर आपको नजर आएगी। एक चौथाई फीसदी के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज हो रहा है। आपको याद होगा, दरअसल बीते हफ्ते सेकेंड हाफ में बड़ा तगड़ा मोमेंटम था, उसके बाद हमने कल यानी कि हफ्ते का जो पहला ट्रेडिंग सेशन था उसमें दबाव आता हुआ देखा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को लेकर जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसने मूड बिगाड़ा था ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का। उसका इंपैक्ट खामियाजा भारतीय बाजारों में था, 2/3% का दबाव देखने को मिला था। पर कल के सेक्शन अगर सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग हाईलाइट आपको ढूंढनी होती पॉजिटिव साइड में, तो दिन के लोज से 50-55 पॉइंट की रिकवरी और 9900 के ऊपर हम क्लोज देने में सक्षम रहे थे, क्योंकि ग्लोबल क्यूज इतने खराब नहीं थे जितने हमारे बाजार कमजोरी के साथ उस समय कामकाज कर रहे थे। तो और इंटरेस्टिंगली ओवरनाइट ऐसी कोई खराब संकेत है नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आपातकालीन बैठक हुई उसमें भी सिर्फ इतना कहा गया कि टफ नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ध्यान रखें, नॉर्थ कोरिया में तो साल 2006 से सैंक्शंस लगे हुए हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर टेस्ट वो कर रहा है उसके चलते। तो बाजार काउंसिल से कुछ ऐसा कुछ निकल के नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी, इसीलिए एक रिलीफ के तौर पे आज आप मोमेंटम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और हाईलाइट है ब्रॉडर मार्केट्स में, वहां पे तगड़ा ट्रैक्शन है। 3/4 से 1% का उछाल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स दोनों में देखने को मिलेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा है। उसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आएगा, मार्केट ब्रेथ 3:1 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं उनमें से 75% शेयर इस समय हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए। मितेश, पहले तो क्विकली बताएं चार्ट्स क्या कहती हैं। सर, 1/4% का उछाल, खरीदारी करने का दमखम लगता है चार्ट्स को देखकर या छोड़ दूं? आशीष जी, आई थिंक कल का जो लो है 9850-60 आई थिंक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और जो परसों का हाई था 9960 आई थिंक यू नो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। तो मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड ट्रेड है, और फिलहाल हम नीचे की रेंज की तरफ से बढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 9960 एक टफ लेवल रहेगा, उसके ऊपर अगर हम तेजी बरकरार रखते हैं तो मैं थोड़ा सा इंडेक्स में पोजीशन लेना चाहूंगा, अदरवाइज अभी तक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग का आइडिया है। 9960 इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि यहां से 20 पॉइंट के आसपास का उछाल आए उसके ऊपर टिके भारतीय बाजार तो शायद फ्रेश खरीदारी का मौका होगा, अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रुझान होगा, उसी पर फोकस करें। मितेश, उनकी स्टॉक पिक्स में कार्यक्रम के दौरान आगे बातचीत भी करूंगा, लेकिन गौरव, किस तरह का बिल्डअप, किस तरह का मूड लग रहा है सर, और आप निफ्टी पर या बैंक निफ्टी पर क्या कॉल ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, रुझान पॉजिटिव ही है, हमने देखा कि थोड़े बहुत अनवर्णी के हिसाब से प्रेशर आया था निफ्टी में, और एक 9850-9860 से फिर एक उछाल मिली है, और ये अभी मोमेंटम स्ट्रांग है। एक बार 10,020-10,040 लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पे या तो अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो आप 9890 का स्टॉप लॉस रखिए, या अगर रिस्क थोड़ी और आपके फेवर में जाए तो आप थोड़ा डिप का वेट कीजिए। 10-15 पॉइंट का डिप अगर मिलता है 9920-9925 के अगर आते हैं लेवल्स तो आप बाय कर सकते हैं। 9890 का स्टॉप लॉस होगा, उसमें 9980 का पहला लक्ष्य होगा, और वहाँ पे अगर पार होता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वो 10,000 कॉल ऑप्शन में देखने मिल सकती है, जो इसको लेके जाएगी 10,040-10,050 एक या दो दिन के अंदर। तो मेरे सबसे रुझान पॉजिटिव होना चाहिए। बैंक निफ्टी में थोड़ी ऊपरी लेवल से बाय कीजिए, 24,400 के ऊपर बाय कीजिए। यहाँ पे हमने बार बार देखा कि ट्रेडिंग शॉर्ट्स बन रहे हैं, कॉल ऑप्शन में 6 राइडिंग है ऊपरी लेवल्स पे, तो 24,400 के ऊपर बाय कीजिए। 24,200 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 24,800 के लेवल पर 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड का ही रखें, दोनों में खरीदारी करने के मौके। जो लेवल्स गौरव सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर, लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल के लिए चलते हैं चंडीगढ़, और वहां से मेरे साथ राजेश जी जुड़ते हुए। राजेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें सर। हेलो आशीष सर। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे पास अशोक लेलैंड की कॉल है 110 की, जो मैंने 7.5 में ली थी, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने 105 की पुट भी ली है 1 रुपीज पे। तो ये स्ट्रेटेजी ठीक है या मुझे कितने टाइम में प्रॉफिट आ सकता है? अशोक लेलैंड में मोमेंटम तो बड़ा तगड़ा है गौरव, इनकी स्ट्रेटेजी ठीक है क्या, और अशोक लेलैंड क्या लगता है, क्या मूड बन रहा है? जनरली यहाँ से किसी के लिए अगर कॉल लेना हो फ्रेश तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बताएं।
देखिए मोमेंटम अच्छा है अशोक लेलैंड में, पोजीशंस भी अच्छी खासी बनी है और यहाँ पे हमने देखा है एक ब्रेकआउट के कगार पे है, तो 110 का जो पहले कॉन्सेंट्रेशन था कॉल ऑप्शन में उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है 117 118 के लेवल को देखने मिल सकते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा इन्होंने इन द मनी कॉल ऑप्शन लिया है, तो मैं जनरली फेवर नहीं देता हूँ इन द मनी कॉल ऑप्शन की। आपने 105 का पुट जो लिया है वो आउट ऑफ द मनी लिया है, तो आपने इन द मनी ऑप्शन खरीद के उसको हेज किया है आउट ऑफ द मनी पुट लेके, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं आएगी। अगर यहाँ से 110 अगर होता है तो आपके पुट ऑप्शन में 70-80 पैसे का बढ़त देखने मिलेगी, लेकिन जो आपका जो 110 का कॉल ऑप्शन है इसमें वो 3-4 रुपये की गिरावट आपको जरूर देखने मिल जाएगी, तो उस हिसाब से आपका जो स्ट्रेटेजी है वो उसका लॉजिक है वो सही नहीं बैठेगा। तो हमेशा आप जब भी बाय करें तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को बाय कीजिए तो वो बेहतर होगा। यहाँ पे एक बार उस चीज़ से आप एग्जिट कर लीजिए, 115 के पार अगर जाता है स्टॉक का ट्रेड करता है तो 120 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकेगा और जल्दी रिटर्न आएगा आपको। ओके चलिए अगले सवाल के लिए भिवानी से पवन जी मेरे साथ जुड़ते हुए। पवन जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछे जी। नमस्कार नमस्कार जी, एक्सिस बैंक है एक लोट 503 पे और टाटा केमिकल एक लोट है 592 पे। तो एक्सिस बैंक तो आपकी बाइंग के आसपास होगा, टाटा केमिकल थोड़ा सा नीचे है ना? हाँ जी। मितेश बताएं सर, एक्सिस बैंक और टाटा केमिकल्स दोनों का मूड डायरेक्शनल कॉल क्या होगा? आई थिंक देखिए एक्सिस बैंक तो बहुत ही नैरो रेंज में है, पहले ये 525 से लेकर 480 तक की रेंज में था और पिछले एक डेढ़ हफ्ते से स्टॉक का रेंज घट के 510 से लेकर 498 यानी 498 का हो गया है। व्यू इतना नेगेटिव नहीं है एक्सिस बैंक में, तो अगर ये 510 को क्रॉस करता है तो 520-25 तक जा सकता है, वहाँ पे आई थिंक एग्जिट ले लें, उसके ऊपर तेजी का अभी कोई सिग्नल्स है नहीं। दूसरा टाटा केमिकल है सर, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह जरूर दूंगा। आई थिंक क्लियरली आप 570 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें, आई थिंक वो टूटता है तो और मंदी आ सकती है, और ऊपर में अगर आपको एग्जिट मिलती है तो 605-610 की रेंज में एग्जिट कर लें, आई थिंक स्टॉक का चार्ट थोड़ा सा वीक हो रहा है। ओके आप पुणे से सुदर्शन जी मेरे साथ जुड़ते हुए, सर हाय गुड मॉर्निंग, सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग, आई हैव वन लॉट ऑफ अंबुजा सीमेंट एट 281 मुथूट फाइनेंस एट 471, बोथ आर लॉन्ग पोजीशन। दोनों लॉन्ग है, अंबुजा सीमेंट्स 281 की बाइंग और मुथूट फाइनेंस का 470 का, सर आपने 470 का क्या करना चाहिए गौरव? देखिए अगर बात की जाए अंबुजा सीमेंट की तो अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, काफी अरसे के बाद में 280 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हाल के ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे आप 276-277 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर में आपको 290-295 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो सीमेंट पैक में अंबुजा सीमेंट है जहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे रुझान दिख रहे हैं, अच्छे पोजीशंस बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। रही बात मुथूट फाइनेंस की, तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे तो बेहतर होगा। रीजन ये है कि मोमेंटम है, अच्छा है, पोजीशंस बन रही है, लेकिन 480 पे आता था इसमें बहुत अग्रेसिव, इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है, शॉर्ट पोजीशंस बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसको आप 480-485 के ऊपर आता तभी बाय कीजिए, तो आपको इसमें 500 के ऊपर ज़्यादा देखने मिल सकता है, अदरवाइज ये जायरेट करता रहेगा 480 और 460 के बीच में, यहाँ पे एग्जिट करना बेहतर होगा। अच्छा दिल्ली से सपना का ये व्हाट्सएप आया है, जिंदल स्टील एक लॉट 143 की बाइंग है, लॉन्ग किया है इन्होंने। मितेश JSPL या मेटल एज अ पैक पूरा पूरा मैं देख रहा था, अच्छा आउट परफॉर्मेंस और चाइना से अच्छे आंकड़े, अच्छी खबरें आती हुई, रीसेंट करेक्शन के बाद इसमें भी कुछ अपमूव की शुरुआत हुई है, सपना अगर हमें सुन रही हो तो क्या स्ट्रेटजी होगी इनके लिए सर? के मेटल्स में आई थिंक क्लियरली थोड़ा मोमेंटम बेटर है बाकी सेक्टर से, और जिंदल स्टील की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक इसमें पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा इंट्राडे एक्शन ऊपर की तरफ देखा गया है, ये 144-145 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक और तेजी गेन करेगा, 153 का ये टारगेट रख के चले, और फिलहाल के लिए जो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा वो होगा 137 हाफ का, जैसे ये 144-145 के ऊपर निकलता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 140 पे लें और 153 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की तैयारी रखें। एक और व्हाट्सएप क्वेरी क्विकली लेता हूं मैं, गुड़गांव से दीपक का सवाल है, इन्फी बीम को लेकर दो लॉट 153 की बाइंग करी हुई है, तो कुछ प्रेशर में आ गया है, 7-7.5 रुपए इनकी बाइंग से नीचे चल रहा है, गौरव इन्फी बीम? इन्फीबीम में मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट मुझे नहीं लग रही है, पोजीशंस काफ़ी इसमें अच्छी बनी थी, ये जो कॉर्पोरेशन है उसके बाद में थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग जरूर हुई है, तो आपको ये काफ़ी अरसे काफ़ी सारे स्टॉक्स में होता है, ऐसा नहीं किसी इन्फीबीम के साथ में हुआ है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा उसके बाद में वापस एक अपोंग इसमें पकड़ सकता है, तो यहाँ पे आप 142.5-146 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर सस्टेन कर लेगा ये करंट लेवल्स को तो मुझे लगता है आपको बहुत तुरंत ही वापस 151 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, वो अगर पार होता है तो और 7-8% मिल सकते हैं, तो
वहां पे एक स्वीट स्पॉट में 1.5 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। तो गौरव, रिलायंस कैपिटल के नए लॉट जो आए इसमें कोई ट्रेड इनिशिएट करा या करवाया क्लाइंट्स को क्या आज? नहीं, फिलहाल मैंने नहीं करवाया। जब भी कॉर्पोरेट एक्शन होता था मैं एटलीस्ट नेक्स्ट डे तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि काफी उसमें नॉइज ज्यादा होती है, पोशंस कम होती है, तो यहाँ पे अटकने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर एक दो दिन का डेटा मिल जाए उसके बाद में मैं राय दे पाऊंगा कि यहाँ पे आप कहाँ पे पोशंस बना सकते हैं। डन, अगली बार जब गौरव से मुलाकात होगी या बातचीत होगी तब रिलायंस कैपिटल की स्ट्रेटेजी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। और मितेश ने स्पेसिफिकली कहा था कि निफ्टी से अच्छा है मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे फोकस करूं, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मितेश के रडार में या फिर गौरव के रडार में, ये जानेंगे इनकी टॉप रिकमेंडेशंस इस ब्रेक के बाद। मजबूती के साथ कामकाज, वही 1/4% का उछाल 99.35-99.36 के लेवल्स पे निफ्टी में हो रहा है इस समय कामकाज। लेकिन चलिए गौरव से जानते हैं आज की ऑप्शन की स्ट्रेटजी क्या होगी। गौरव, क्या लेकर आए? मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 460 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। मैं इसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, कंसिस्टेंट बेस से बन रही है। 440 के कॉल ऑप्शन में दो सीरीज से एक काफी अग्रेसिव राइटिंग थी, उसके ऊपर ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो अब लग रहा है कि यहाँ पे 460-465 के लेवल्स आपको 7-8 दिन के अंदर देखने मिल सकते हैं। तो वो लिहाज से आप 460 कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 7 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 15-16 रुपीज के इसमें टारगेट होंगे। ओके, आईसीआईसीआई प्रू के 460 का कॉल खरीद सकते हैं। इस बीच चीन से वो डायरेक्ट विजुअल्स आते हुए, प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की आज वो बायलेटरल मीटिंग है चाइना में, ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पे ध्यान रखें ये वार्ता होने वाली है। और इम्पोर्टेंट इसीलिए कि वो सबसे बड़ा अब तक का जो स्टैंड ऑफ रहा है 2 महीने का डोकलम का, उसके बाद ये बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। और इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि कल पहली बार चीन में चाइना ने पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स को पहली बार उसको इंक्लूड करा चार्टर में, कहा गया कि इन तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो इंडिया के लिए एक लैंडमार्क विक्ट्री कहा जा रहा था। और अब वो बायलैटरल टॉक्स आज होने हैं, उसका आउटकम क्लियर अवेटेड होगा। तो ग्लोबल लैंडस्केप से एक तो शी जिनपिंग मोदी जी की ये मुलाकात, और दूसरा नॉर्थ कोरिया को लेकर जो लगातार खबरें आती हुई कि अब तो ये डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग, एक और रिपोर्ट करा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया शायद तैयारी कर रहा है इस वीकेंड एक और बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की। वहां पे जो गतिविधि हो रही है उनकी न्यूक्लियर साइट में, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा इंटरनेशनल क्यूज, नजर रखिएगा इस पर। लेकिन चलिए, ऑप्शन स्ट्रेटजी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की कॉल खरीदने की। लेकिन मितेश, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? दो बाय कॉल्स हैं आशीष जी। एक उज्जीवन, आई थिंक क्लियरली ऐसा लग रहा है कि दो दिन के पुलबैक के बाद वापस अप ट्रेंड को पकड़ रहा है, तो यहाँ बाय करें 355 के स्टॉप के साथ 385 तक के टारगेट्स देखें। और टाटा एलेक्सा, आई थिंक यू नो थोड़ा सा ऊपर से इंट्राडे हाई से नीचे है, परंतु ओवरऑल चार्ट पैटर्न का काफ़ी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक 1730 के नीचे नहीं जाता, आई थिंक एक अपसाइड के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 1729 का स्टॉप लॉस लगा और 1825-1830 तक के पहले टारगेट्स। ओके, तो उज्जीवन और टाटा लेक्सी, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके। लेवल्स जो मितेश सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर। गौरव, आपकी ऑप्शन स्ट्रेटजी ले ली थी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया शेयर करें प्लीज। मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा वो है भारत फोर्ज पे। हमने देखा है कि 1130-1135 के आसपास, ये करंट लेवल्स के आसपास अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बनते हैं, और ये ट्रेडिंग लॉन्ग्स 1185-1190 तक खींच के ले जाते हैं स्टॉक को, वहाँ पे थोड़ी अनबाइंडिंग का दबदबा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। लुक्रेटिव ट्रेड है यहाँ पे, और वापस यहाँ पे शॉर्ट करने शुरू हो चुकी है, तो आप एक्सपेक्ट करो, प्रीएम करो कि यहाँ से अग्रेसिव लॉन्ग्स बनेंगे, और 1185-1190 का टारगेट होगा, 1120 रुपये के इसमें स्टॉप लॉस होगा। और मैक्स फाइनेंशियल MFSL फ्यूचर्स, ये भी बाय करने की सलाह दूंगा मैं। यहाँ पे भी थोड़े बहुत लॉन्ग पोजीशन बनना शुरू हो चुके हैं, अग्रेसिव नहीं है, लेकिन 600-596 कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में अच्छी खासी सेलिंग है, तो वो लग रहा है कि एक इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, तो 500 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 645 इसमें टारगेट होगा, और एक पीवीआर थोड़ा वीक लग रहा है, यहाँ पे देखा गया है कि 1325-1330 आता है, लगता है कि ब्रेकआउट होगा वहाँ पे, लेकिन फिर वहाँ से शॉर्ट पोजीशंस बनते हैं, जब तक ये 1325-30 को पार नहीं करता यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशंस के दबदबा जो है वो हावी रहेगा, तो एक 1270 के टारगेट्स के लिए आप बेच सकते हैं, 1320-1325 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, इंटरेस्टिंग, पीवीआर में बिकवाली करने के मौके, अदरवाइज सारे कॉल्स में बायसनेस पॉजिटिव साइड का ही है। और इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स रुझान में, आईसीआईसीआई प्रू के ऑप्शन खरीदने की गौरव ने बात करी थी, उज्जीवन की बात मितेश कर रहे हैं, मैक्स फाइनेंशियल की बात गौरव कर रहे हैं, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वो स्पेस हो सकती है।
जिसको अपने रडार पर रखना है आपको, और कॉल्स आपकी स्क्रीन पे बाद में नीचे टिकर बैंड पे लगातार चलते रहेंगे, आप जब चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वायदा बाजार में कौन से स्टॉक्स एक्टिव हैं और क्या उनमें कोई हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर है, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और वायदा में जो स्टॉक्स एक्टिव होते हुए उनमें एक तो रैमको सीमेंट है, तगड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई ओपन इंटरेस्ट में देख रहा था, 33% का उछाल, स्टॉक 3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। आईजीएल का वैसे आज तो तमाम गैस कंपनी जितने स्टॉक्स हैं, आईजीएल हुआ, महानगर गैस हुआ, इन सब में आज तगड़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, अच्छा मोमेंटम है। गुजरात गैस इनफैक्ट उसमें अच्छा मोमेंटम है। हाँ, वायदा में आईजीएल में 13% ओपन इंटरेस्ट में उछाल, स्टॉक 2.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। यूनाइटेड ब्रेवरीज, जेट एयरवेज, सीएट, सन टीवी, टाटा स्टील, इन सब स्टॉक्स में फ्रेश तेजी की पोजीशन पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन चलिए कोल्हापुर चलते हैं और विनोद चरंकर साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। विनोद जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास फोर्टिस का एक लॉट है, 151 दे दिया है। फोर्टिस का एक लॉट लिया हुआ है 151। मितेश क्या करना चाहिए, फोर्टिस चार्ट पे कैसा लगता है? आई थिंक ये स्टॉक थोड़ा सा बेस बिल्डिंग के थ्रू जा रहा है। आई थिंक वो जो बड़ी न्यूज़ आई थी मिस्टर झुंझुनवाला के बाय करने की, उसके बाद आई थिंक स्टॉक ऊपर आया था, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया। मुझे लगता है कि 140 से लेकर ये करीबन 155 के रेंज में रहेगा, और 158 तोड़ता है तो बड़ी तेजी होगी। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो पहले तो आप 140 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें और 155 के आसपास एग्जिट करने का देखें। पर तो अगर आपने पोजिशन व्यू से लिया है तो भी आपका स्टॉप लॉस तो वही रहेगा, परंतु 155-160 के ऊपर अगर बंद आता है तो काफी अच्छे चांसेस है कि ये 175 तक की रैली आपको देगा। और इस बीच जेपी इंफ्रा, जेपी ग्रुप, जयप्रकाश ग्रुप अपने रडार पर रखे हैं। आईडीबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दायर करी है और इस पे सुनवाई मेरे ख्याल से अब फॉलोइंग सोमवार को होने वाली है। जेपी इंफ्रा आपकी स्क्रीन पर दिन के लोज की तरफ मूव करता हुआ। अच्छा, रायपुर से तृप्ति मेरे साथ जुड़नी है, तृप्ति का व्हाट्सएप है शायद ये, डॉक्टर रेड्डीज 3 लॉट 2400 का कॉल 18 रुपए पे बाइंग कर रखी है, क्या करना चाहिए सर? गौरव, ये काफी दूर का है और यहाँ पे ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुका है, तो उन्होंने मूवमेंटम आने के बाद में बाइक किया है, तो यहाँ पे आप एक बार एग्जिट करें तो बेहतर होगा। स्टॉक में खराबी नहीं है, लेकिन यहाँ से 50-60 रुपीज का और अप मूव आ सकता है और फिर वापस कंसोलिडेशन आएगा, तो वो हिसाब से आपको फिर भी इसमें अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है, तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करें तो बेहतर होगा। ओके, गौरव मितेश आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों की क्वेरी सुलझाने के लिए और अपनी टॉप स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। सौदा आपका में यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रियंका संभव और प्रकाश गावा जुड़ेंगे आपके साथ, तो आपकी तमाम क्वेरीज पे फटाफट सलाह। और वरुण ने एक इंटरेस्टिंग आज पेशकश लेकर आ रहे हैं टीचर्स डे के मौके पर, प्रियंका आपसे शेयर करेंगी इस ब्रेक के बाद। नमस्कार। बाजारों में रिकवरी ने सुधारा भारतीय बाजार का मूड, निफ्टी 9900 के ऊपर टिका, मिड कैप इंडेक्स करीब 1% चढ़े। रिलायंस कैपिटल के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट आज दोबारा हुए लॉन्च, होम फाइनेंस कारोबार से अलग होने से शेयर में 16% का एडजस्टमेंट। चीनी इंपोर्ट पर जल्द फैसला होने की आशंका से चीनी शेयर फिसले, 5% तक गिरे चीनी कंपनियों के शेयर। टूरिज्म फाइनेंस में IFCI की हिस्सा बेचने की तैयारी, दोनों कंपनियों के शेयर चमके, दूसरी टूरिज्म कंपनियों में भी खरीदारी। और डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा, $1 की कीमत ₹64.10 के पार, डॉलर के बढ़त से बना दबाव। तो बाजार में आज हमें दिख रही है बढ़त, कल की गिरावट के बाद आज बाजारों ने मजबूत शुरुआत की और ये मजबूती अभी भी कायम है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 95 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार, निफ्टी 28 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है 9940 के लेवल्स पर, वहीं मिड कैप का
बहुत अच्छा सपोर्ट, 172 अंकों की मजबूती है, अब ऑलमोस्ट 1% की बढ़त को मिड कैप छूने वाला है। वहीं बैंक निफ्टी भी ज्यादा दूर नहीं, 0.5% की बढ़त है, ऑलमोस्ट 112 अंकों की उछाल के साथ बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर काफी हेल्दी नजर आ रहा है अभी फिलहाल। अगर हम देखें तो 1296 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और 431 शेयर हैं जहां आपको फिलहाल दबाव देखने को मिलेगा। तो आज ऑटो से अच्छा खासा सपोर्ट बाजारों को मिलता हुआ, मेटल और ऑयल एंड गैस भी सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को, इसलिए बढ़ने वाले शेयरों में आप देखेंगे जो लीड है वो टेक महिंद्रा बजाज ऑटो जैसे शेयर्स लेते हुए, साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट अंबुजा सीमेंट से भी आज बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ। आईओसी भी आज आपको बढ़त में ही नजर आएगी। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार में मुनाफे की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं prakashgaba.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे, आप इतने सारे गुरु मंत्र हम लोगों से शेयर करते हैं, इसके लिए आपका मैं शो की शुरुआत में धन्यवाद कहना चाहूंगी। और अब निफ्टी पर आपकी कॉल। थैंक यू वेरी मच, आप भी कुछ कम नहीं करती, आपके लिए भी बहुत फैंस हैं यहाँ पर और आपके पीपल लुक अप टू यू, आई मस्ट से दैट। वेल निफ्टी तो अब तक ठीक ही नजर आता है, अपसाइड ऑन है, अपर रीजन जो टारगेट है 9980 वहां तक जाने की संभावना जरूर है। गुड पॉजिटिव वो है 9920 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी में। और आज बैंक निफ्टी भी जबरदस्त तेजी है यहाँ पर भी दिख रही है और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बाजार की तेजी में भी। प्रकाश जी, बैंक निफ्टी आपको कैसा दिख रहा है इस पॉइंट पर? बहुत बढ़िया अप मूव मिला है, अब जो डिप मिला है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, शायद लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में एक अप मूव मिले, वो अप मूव शायद 24,450 वहां तक ले यानी कि कोशिश जरूर करेगा। 100 पॉइंट अप मूव शायद यहां से भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी। तो बाजार का है आज अच्छा मूड और इस अच्छे मूड में आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, हम लेकर आए हैं स्टॉक्स फटाफट। नाशिक से दिनकर का है पहला सवाल, एनएचसी फूड्स के ये 27,000 शेयर होल्ड करते हैं, 15.60 रुपए की खरीद रही है, नुकसान 3.80 रुपए पर शेयर, क्योंकि 27,000 शेयर है तो नुकसान भी बड़ा ही है एनएचसी फूड्स में। वेल एनएचसी फूड्स में शायद आप होल्ड करना चाहिए, 11:30 का स्टॉप लगाइए, बेचने की जो जगह है 20 तक हो सकती है, लेकिन ऐसी जगह पर है यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, रिस्क एलिमेंट है और स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन होल्ड कीजिए। 11.50 रुपए का एक स्टॉप लॉस एनएससी फूड में, इसका ख्याल रहे। अहमदाबाद से विमल देव जी का सवाल है, बीएससी के आज से शेयर 1040 की इनकी खरीद रही है, मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए, बीएससी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है मुझे। गेल पर सवाल पूछ रहे हैं आरके श्रीवास्तव इलाहाबाद से, 100 शेयर है गेल के, 387.80 रुपए की खरीद है, होल्ड करना चाहिए, लो लेवल 360 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है गेल पे, अपर रीजन पे 420-450 ये एक जोन है, वहां तक जाने की कोशिश करेगा लेकिन वक्त लगेगा। फरीदाबाद से संजीव कुमार टाटा ग्लोबल बेवरेजेस होल्ड करते हैं संजीव, 70 शेयर 199.80 रुपए इनकी खरीद रही है, होल्ड ही करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हो सकता है साइड में थोड़ा करेक्शन भी आए लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, टारगेट 230 लेकिन वक्त लगेगा। दिल्ली से अंकुर सक्सेना दीवान हाउसिंग के 100 शेयर 507.50 रुपए की खरीद, वेल दीवान हाउसिंग ये स्टॉक मुझे ठीक ही नजर आता है, बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, टारगेट कुछ 550-570 हो सकते हैं, अब थोड़ा अगर साइडवेज मूवी मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है दीवान हाउसिंग। कानपुर से संतोष शर्मा IDFC के 800 शेयर होल्ड करते हैं, 60 रुपए की खरीद रही है, फिलहाल 1.10 रुपए पर शेयर नुकसान IDFC में उठाना पड़ रहा है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, 70 का लेवल देखने को मिलेगा लेकिन वक्त लगेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 52 के करीब है 52। तो 70 के टारगेट्स के लिए इंतजार कीजिए और बने रहिए। पुणे से जयंत निटको के 100 शेयर हैं 70 रुपए की खरीद रही है और मुनाफा अच्छा हो रहा है, 35.25 रुपए पर शेयर निटको में, क्या करना चाहिए? अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया तो मुनाफा बुक कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और भी बढ़त आते दिनों में देख पाएंगे। राजकोट से परेश जी के सवाल को शामिल करते हैं, इनके पास है स्टारलाइट कंपोनेंट और ये होल्ड करते हैं करीब 5,600 शेयर 40 रुपए की खरीद रही है, 12.60 रुपए पर शेयर मुनाफा मिल रहा है। ये स्टॉक मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे दिखाई दे नहीं रहा है तो आई थिंक मिस कर ले तो अच्छा रहेगा स्टारलाइट कंपोनेंट।
चलिए अभी मिस करते हैं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि थोड़ी देर में प्रकाश जी ढूंढ लेंगे इसे, हम फिर ये सवाल रखेंगे। अब राजेंद्र अरोड़ा के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड़गांव से राजेंद्र जानना चाहते हैं कि HDIL में क्या करें, 340 शेयर होल्ड करते हैं, 72.95 की खरीद है, होल्ड ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। लोअर लेवल्स में जो आप ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से एक बाउंस मिलेगा, 85-80 जोन्स वहां पर निकल सकते हैं, फिलहाल होल्ड। बैंगलोर से अनूप पांडे LNT होल्ड करते हैं, 150 शेयर, 1200 की खरीद है। LNT वेल, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, हो सकता है साइडवेज मूव मिले, लेकिन मुझे लगता है 1300 के टारगेट नजर आएंगे। कटक से शक्ति रूप जी जानने चाहते हैं बॉम्बे बर्मा में क्या करना चाहिए, 100 शेयर है, 938 की खरीद रही है, 117 प्लस पर शेयर मुनाफा भी हो रहा है बॉम्बे बर्मा में। 995 का एक स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, अपसाइड स्टिल ऑन है, कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन होल्ड बॉम्बे बर्मा। भरूच से नजस सिद्दीकी, बलरामपुर चीनी, 1000 शेयर, 170 की खरीद। बलरामपुर चीनी, वेल ये स्टॉक जो है मुझे लगता है ये एक बेसिकली ऐसी जगह पर चढ़ रहा है, अच्छा आप मूव है, टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 200 के नजर आते हैं, साइडवेज मूव भी मिल सकते हैं, लेकिन होल्ड। अमृतसर से रविंद्र कुमार, हिंद जिंक है इनके पास, 226 शेयर हैं और इनकी खरीद का भाव 304.45 रहा है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिएगा, 330-340 में एक मौका मिलेगा, वहां पर निकल सकते हैं, फिलहाल ऑन। बैंगलोर से सुधाकर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, 50 शेयर, 1640 की खरीद है इनकी। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन इट्स ऑन, टारगेट 1800 के नजर आते, वक्त लगेगा। दिल्ली से अभिनव गोयल, रिलायंस कम्युनिकेशन, 2500 शेयर, 24.10 की खरीद। रिलायंस कम्युनिकेशन, चार्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या हाल है। वेल रिलायंस कम्युनिकेशन, यस वीक है, लेकिन अप मूव मिलेगा, बेचने की जगह को 30 के करीब है, एडवांटेज दीजिए अप मूव का और निकल जाइए। दिल्ली से राजेश कुमार जी का सवाल, सिम्फनी पर है, 160 शेयर, 1390 की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अब कंसोलिडेशन जोन पे, वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है 1500 से 1575 वहां तक जरूर चला जाएगा। बिजनौर से चरण सिंह, कजारिया सेरामिक्स, 1615 शेयर होल्ड करते हैं, 430 में इन्होंने कजारिया खरीदा था। बहुत बढ़िया, अच्छा मुनाफा मिल रहा है, अब तक ऑन है, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 600 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया मूव है। कोटा से ब्रिजेश, हिंडालको के 500 शेयर, 80 की खरीद। 80, वेल होल्ड ही करना चाहिए, बहुत बढ़िया आपको मिला है, अपसाइड ऑन है, टारगेट 300 के भी नजर आते हैं, होल्ड। प्रेम प्रकाश दिल्ली से कोचिन शिपयार्ड होल्ड करते हैं, 100 शेयर, 555 में खरीदा था इन्होंने। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, 510 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड ऑन है, 585-600 का जोन नजर आ रहा है। चलिए तो स्टॉक्स फटाफट में, इतना ही वक्त हमारे पास था और अब समय होता है जब प्रकाश जी बताते हैं कि किन स्टॉक्स पर है प्रकाश जी की नजर, आपके ट्रेडिंग टिप्स। कैपिटल फर्स्ट अच्छा लग रहा है, अच्छा बेस बन चुका है, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 760 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 730 का, कैपिटल फर्स्ट बाय। दूसरा है मैग्ना फिनकॉर्प, यहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है आज, इसका जो टारगेट है 186 का है, स्टॉप 175। तो मैग्ना फिनकॉर्प में है खरीद की सलाह और कैपिटल फर्स्ट अच्छा लग रहा है प्रकाश जी को, जो टारगेट्स और स्टॉप लॉस है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद आज है टीचर्स डे और टीचर्स डे स्पेशल में जानिए प्रोफेसर शिवानंद मनकेकर के गुरु मंत्र आगे। आज है टीचर्स डे और आज हम दिन भर शेयर बाजार के दिग्गज निवेशकों के गुरु मंत्र आपके लिए लेकर आए हैं और इसी कड़ी में हम एक खास मेहमान के भी गुरु मंत्र आपको देंगे।
प्रोफेसर शिवानंद मनकेकर मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर मनकेकर शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक हैं। इनके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंका जाता है। प्रोफेसर मनकेकर वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। ये 2003 में पैंटलून में निवेश और यूएसएल में अपनी हिस्सेदारी से चर्चा में आए थे। प्रोफेसर मनकेकर बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं और उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि प्रोफेसर साहब इतने बड़े निवेशक हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग इन्हें मिस्टीरियस प्रोफेसर भी कहते हैं। खैर, टीचर्स डे पर आज हम प्रोफेसर मनकेकर के गुरु मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी वरुण दुबे, जो प्रोफेसर साहब के पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे। वरुण, बताइए प्रोफेसर साहब के पोर्टफोलियो में कौन कौन से नगीने हैं? डेफिनेटली प्रियंका, शिवानंद शंकर मनकेकर, ये जितना भारी नाम है उतना ही भारी इनका पोर्टफोलियो है और उतने अच्छे रिटर्न्स इनने कमाए। और ये फोकस में आए थे 2003 में, जब इन्होंने पैंटलून्स पे जोरदार कमाई की थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि इन्होंने जो कमाई की है वो इनके इन्वेस्टमेंट के 100 गुना थे, और उसी के बाद से ये दरअसल मार्केट में लाइमलाइट में आए। काफ़ी जन इनको जीनियस स्टॉक पिकर कहते हैं, और जैसे कि आपने भी हाईलाइट किया, मिस्टीरियस प्रोफेसर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 4 नाम से इनकी होल्डिंग्स देती है। सबसे पहले तो इनके खुद के नाम पे शिवानंद शंकर मनकेकर के नाम पे, इसके अलावा लक्ष्मी शिवानंद मनकेकर जो कि इनकी वाइफ है उनके नाम पे भी इनकी होल्डिंग है। केदार मनकेकर जो इनके बेटे हैं उनके नाम पे भी इनकी होल्डिंग रहती है। और ओम केदार इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि इन्हीं की है, और ये 4 वो नाम है जिनके नाम पे आपको इनकी होल्डिंग मिलेगी। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जिनमें इन्होंने पैसा लगाया था, लेकिन BSE दरअसल उन्हीं कंपनी को लिस्ट देती है जिनमें 1% से ज़्यादा होल्डिंग हो किसी इन्वेस्टर की। तो ऐसी कंपनी हम आपके लिए छाट के लेके आए हैं। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी कंपनीज भी छाटी है जिनमें इन्होंने जनवरी 2017 से अब तक स्टेक खरीदा है, तो वो लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो इनके पास है तलवलकर्स में, जहाँ इनके पास करीब 19.5 लाख शेयर्स है, यानी करीब 6.5% के आसपास होल्डिंग ये तलवलकर्स में रखते हैं। और आपको याद होगा कि 28 अगस्त को भी इन्होंने करीब 3,80,000 शेयर्स खरीदे थे 282 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे। इसके अलावा सीक्वेंट साइंटिफिक, यहाँ इनका करीब 4.25% के आसपास का हिस्सा है। गैलेक्सी एंटरटेनमेंट दरअसल इस पर रिस्ट्रिक्टेड है ट्रेडिंग, लेकिन इसमें भी करीब 2% के आसपास का हिस्सा ये रखते हैं। वहीं फाइनेंशियल्स में ये काफ़ी बुलिश है, लक्ष्मी विलास बैंक में करीब 2% के आसपास का हिस्सा है इनका। JM फाइनेंशियल में भी करीब 23 लाख शेयर के आसपास इन्होंने खरीदे थे, और दरअसल इन्होंने 9 मार्च को ये शेयर्स खरीदे थे। बजाज फाइनेंस में करीब 8-8.5 लाख शेयर्स के आसपास का हिस्सा है इनका। फरवरी और अप्रैल में इन्होंने ये शेयर खरीदे थे, और कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 3.5 लाख शेयर्स, इनफैक्ट करीब 8.5 लाख शेयर्स के आसपास का इनकी होल्डिंग है। तो फाइनेंशियल जो है उस पर काफ़ी बुलिश है। इसके अलावा स्ट्राइस शासन, ये भी एक काउंटर है जिसमें इनके पास करीब 1.5% यानी कि 1.4% के आसपास की इनकी होल्डिंग है, और करीब 30 लाख शेयर्स ये होल्ड करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट किया कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो इनके मल्टी बैगर निकले हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पैंटलून बताया, 2003 का वो किस्सा था, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो JM फाइनेंशियल्स, एक साल में अगर आप रिटर्न देखें जनवरी से अब तक करीब 123% के आसपास का रिटर्न इस काउंटर ने करके दिया है। बजाज फाइनेंस 113% के आसपास का रिटर्न इसने कमा के दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक 35% के आसपास, लक्ष्मी विलास बैंक 22% के आसपास, तलवल का जिसमें इनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है उसने भी इस साल करीब 16% के आसपास के रिटर्न्स कमा के दिए, कि यानी कि ज़्यादातर जो होल्डिंग्स इन्होंने किए, ज़्यादातर खरीदारी जो इन्होंने की है उसने इनको भरपूर कमाई करके दी। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जिसमें आप गैलेक्सी एंटरटेनमेंट को ले लीजिए, 40% के नेगेटिव रिटर्न। वहीं स्ट्राइस शासन भी अगर आप देख लीजिए तो करीब 14% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न इसने भी कमा के दिए। तो इक्का दुक्का स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें इनको नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो इस साल में जो स्टॉक्स है उन्होंने बेहतरीन कमाई करके दी है। धन्यवाद वरुण। तो वरुण, काफी जो पोर्टफोलियो बता रहे हैं उसमें हमें दिख रहा है कि काफी एक मिक्स बैग है। कहीं तलवलकर नजर आता है, तो फिनांस से जुड़े स्टॉक्स पर भी उन्होंने काफी इनको भी रखा अपने पोर्टफोलियो में। अब इन्हीं स्टॉक्स को रखते हैं हम अपने गुरु, मार्केट गुरु प्रकाश गावा के सामने। प्रकाश जी, कैसा लग रहा है आपको प्रोफेसर साहब का पोर्टफोलियो? कौन सा वो स्टॉक है जो आपको सबसे जोरदार दमदार लग रहा है अभी? मुझे तलवलकर तो काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। मुझे JM फाइनेंशियल दूसरा स्टॉक है, बहुत बढ़िया लगता है। मुझे ये लगता है यहाँ पर एक अपमूव बहुत अच्छा बाकी है, तो मेरे ख्याल से ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। और वैसे भी JM फाइनेंशियल ने इन्हें रिटर्न भी बहुत बढ़िया दिया है, जो कि प्रोफेसर साहब के पोर्टफोलियो में हमें दिख रहा है। रिटर्न देखिए कितना शानदार है, 123% का रिटर्न यहाँ पर इनको मिलता हुआ एक साल में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इसी नोट पर, अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद सौदा आपका में बाजार पर रहेगी हमारी नजर।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में फिलहाल कारोबार कर रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के स्टॉक से जुड़े सवालों का। गया से उदय कुमार जी के सवाल को शामिल करते हैं। उदय जानना चाहते हैं कि पीएनबी में उन्हें क्या करना चाहिए। उदय जी के पास पंजाब नेशनल बैंक की 100 शेयर हैं, 160 रुपए की खरीद रही है, 16.50 रुपए पर शेयर अभी लॉस इन्हें उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी कैसा दिख रहा है आपको पंजाब नेशनल बैंक, टेक्निकल चार्ट्स पर क्या सलाह होगी उदय के लिए? होल्ड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 135 का है, बस वहीं पर नीचे एक स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मूव में है, अप मूव में, और एक फ्रेश अप मूव शुरू होगा। उसका टारगेट कुछ 200 का होगा, वक्त लगेगा लेकिन 200 तक जाने की पूरी संभावना है। होल्ड तो होल्ड कीजिए और 200 तक जाने की पूरी संभावना है, प्रकाश जी कह रहे हैं, इन टारगेट्स का इंतजार कीजिए। दिल्ली से राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्ते राजकुमार जी, पूछे अपना सवाल, कौन सा स्टॉक है जिस पर आप प्रकाश जी की सलाह चाहते हैं? हाँ सर, ऐसा है, मैंने प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयर 3 महीने पहले लिए थे और 1000 शेयर लिए थे। मेरी फैमिली में 4 मेंबर है, उन्होंने भी इक्वल अमाउंट के ही लिए थे। मेरा नजरिया था मिनिमम 1 ईयर का या उससे ऊपर, क्योंकि ये शेल कंपनी में आ गया है और ये एक्चुअली मैं चाहता था 20-30% की मुझे अगर वो भी मिलती रहे ये एनुअल रिटर्न तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर शेल कंपनी में आ गया है, ये थोड़ा टूट गया है तो मेरी 95 की वो है एवरेज, तो मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो प्रकाश इंडस्ट्रीज को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उससे थोड़ा सा राजकुमार जी यहाँ पर घबराए हुए हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर क्या कॉल देते हैं प्रकाश गाबा समझते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज क्या करना चाहिए यहाँ पर? आज के दिन तो एक ज्ञान दे ही दूंगा, व्हेन इन डाउट स्टे आउट मार्केट्स में, ये एक रूल है जिंदगी में। व्हेन इन डाउट जरूर कीजिए, एक मौका मिलेगा, लेकिन मार्केट्स में व्हेन इन स्टाउट डे आउट। अब तो 20 रुपये आपको मुनाफा भी मिला है, आपको डाउट है क्योंकि एक शेल कंपनी में आया है, तो निकल जाइए, पैसा तो मिल रहा है और बहुत कंपनी है, कहीं ना कहीं तो अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल, और यही सारे गुरु मंत्र जो हैं प्रकाश जी देते रहते हैं, और प्रकाश इंडस्ट्रीज के लिए व्हेन इन डाउट स्टे आउट, सेल कीजिए, निकल जाइए। धन्यवाद प्रकाश जी अपने गुरु मंत्रों के लिए और हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। सौदा आपका में मुझे भी यही दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।